असल माई नाम रिजवान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट गुलबर्ग ग्रीनज ब्लॉक डी इससे पहले मैंने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की वीडियो बनाई थी उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई थी और रिक्वेस्ट आई थी ब्लॉक डी के वाले से कि ब्लॉक डी की वीडियो भी बनाए तो मैं इस वीडियो में मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा नंबर वन इज के गुलबग ग्रीनज ब्लॉक डी की लोकेशन ऑन मैप गु गुलग के मैप पर कहाँ लोकेट करता है नंबर टू इसकी लोकेशन के इसका डिस्टेंस कितना बनता है फ्रॉम द मेन इस्लाबाद एक्सप्रेस वे नंबर थ्री कि इस वक्त गुलबाग ग्रीज़ में जो ब्लॉक डी में प्लाट्स हैं उनकी कटिंग्स किस साइज़ के प्लाट्स हैं एंड नंबर फोर कि इस वक्त तो उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है इन प्लाट्स का और प्राइजेस के हवाले से आपको गाइड करूँगा ओवरऑल यहाँ पर क्या प्राइजेज हैं ओवरऑल बाकी डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम डिटेल हासिल कर सकते हैं इन केस मैं कोई पॉइंट मिस कर जाता हूँ तो सबसे पहले जी गुलबर्ग ग्रीनस ब्लॉक डी डी for डेल्टा इस ब्लॉक की ओवरऑल लोकेशन कहाँ पे है गुलबग ग्रीनस के मैप पे उस देखते हैं और गुलबग ग्रीनस के मैप के अलावा इसकी लोकेशन फ्रॉम द मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे व डिस्टेंस कितना बनता है इस वक्त में सीम गुलबग ग्रीनस इस्लामाबाद ब्लॉक ओवरऑल जो गुलबग ग्रीनस का ओवरऑल मैप है देख सकते हैं और इसमें ब्लॉक डी की जो लोकेशन है वो यहाँ पर वाक्य है अगर हम बात करें स्टार्ट से इनिशली गुलबग मेट्रोने के बाद सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में ब्लॉक आता है उसका नाम है एक्जक्टिव ब्लॉक जिसमें चार और पाँच नाल की कटिंग्स हैं नेक्स्ट इस आप उसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर एक रेड कलर का ब्रिज है जिसका नाम है कैद आज़म ब्रिज ब्रिज अब मैं इसको मैप को थोड़ा लाइट कर दू ताकि तो आपको साथ साथ गूगलर से तो क्लियरेंस मिलते रहे ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का नाम है हैजम ब्रिज इसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे आप एंटर होते हैं इस मेन ब्लॉक में या मेन टू ट्वेंटी फीट रोड पर इसके लेफ्ट साइड पर जो ब्लॉक है उसका नाम है ब्लॉक ए और राइट साइड ब्लॉक बी है सेम चार पाँच नाल एंड दस की कटिंग्स हैं दोनों ब्लॉक्स में यानी कि दोनों ब्लॉक्स में चार कनाल पाँच नाल और दस कनाल के ही प्लॉट्स हैं इसके अलावा यहाँ पे छोटे साइज के प्लाट्स नहीं हैं और जो मेन बुलेवर्ड पे आपको ये ब्लू वाली लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली कमर्शियल है इनिशियल इस प्लाट पर अगर मैं जूम कर दूँ ये मॉल ऑफ गुलबर्ग इस्लाम बन रहा है इस प्लाट पर और इस पर आगे इस वाले मॉल पर शिघाई हाइट शुरू हुआ था लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं बना और इस पर नए किसी प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन होगी और ऑपोजिट साइड पे ये जो आपको दो प्लाजे नज़र आ रहे हैं नंबर वन समामा स्टार गुलबर्ग स्टार स्काई पार्क वन लक्सस स्काई पार्क वन पे, पे कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है और ये जो तीन प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर इनफेक्ट जिन्होंने शॉप्स या अपार्टमेंट्स बाय किए थे उन्होंने पोजेसन भी ले लिया नेक्स्ट आप मूव करते हैं यहाँ से राइट साइड पर टल्नौर का ऑफिस है ये रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करता है इस राउंड अबाउट तक और इस राउंड अबाउट का नाम है आमतौर पे इसके सराउंडिंग में जो दो प्लाजे हैं उसका नाम है आ, मेगा मॉल्स और राइट साइड पे यहाँ पे फाइव स्टार 168 हंड्रेड कनाल का मेन फाइव स्टार होटल का प्लॉट है और यहाँ पे पेट्रोल पंप का प्लॉट भी है बाय द वे और इस राउंड बोर्ड को क्रॉस करने के बाद अब आगे जाते हैं तो इस पॉइंट से आगे इस पॉइंट तक हार्डली डिस्टेंस होगा वो सेवन हंड्रेड मीटर्स का होगा और लेफ्ट साइड पर जो ब्लॉक है उसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक डी जिसमें दस कनाल पाँच कनाल और चार किनाल की कटिंग्स मौजूद हैं टोटल अगर हम प्लाट साइज की बात करें यहाँ पे प्लॉट कितने बनते हैं तकरीबन जो टोटल प्लॉट का नंबर बनता है वो बनता है सात सौ बासठ यानी कि सेवन सिक्सटी टू टोटल प्लॉट्स हैं जिसमें दस कनाल पाँच कनाल और चार कनाल के प्लॉट्स ही हैं अब देखते हैं जी इस पॉइंट का मेन इस्लाम आबाद एक्सप्रेस वे से डिस्टेंस कितना बनता है यानी कि अगर आप गुलबर्ग में आ रहे हैं या गुलबर्ग में प्लाट लेने का इरादा रखते हैं तो आपको इन बातों को फैक्टर फिगर का पता होना चाहिए कि हाँ एंट्रेंस से लेके गुलबर्ग ग ब्लॉक डी की लोकेशन क्या बनती है तो ये अब जूम कर देखें तो यहाँ पे ये मेन जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे गुलबाग का अपना अंडर पास है अब यहाँ पर एक सैक्ट नया अंडर पास भी बन रहा है इनफैक्ट मैं आपको नई टाइम में दिखाता हूँ ये अंडर पास गुलबग ग्रीज में भी यहाँ पर बन रहा है ये स्टार्टिंग डिस्टेंस होता है इसका कनेक्टिविटी का यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ स्टार्ट से ये स्टार्ट होता है यहाँ से ये आप एंट्रेंस गेट से मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से एंटर होते हैं गुलबग की जो एक्सप्रेस वे है उस पर और यहाँ पे भी अंडर पास इस पॉइंट में लास्ट पॉइंट मार्क किया हुआ है इस पॉइंट पे भी एक अंडर पास बन रहा है नेक्स्ट इस मेन एक्सप्रेस वे पर जाते रहें तो आपको डायरेक्ट इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस रिक्वायर्ड है दैट इज़ 1.60 किलोमीटर और इस डिस्टेंस के बाद आप आगे ब्लॉक डी की तरफ अगर मूव करें तो डायरेक्टली यही रास्ता लीड करता है ब्लॉक सी तक यहाँ तक यहाँ तक डिस्टेंस बनता है 3.66 पॉइंट किलोमीटर्स और उसके बाद आगे आप मूव करते हैं ये ब्लॉक सी का राउंड अबाउट है जहाँ पर फाइव स्टार होटल का प्लाट है प्लस दो मेगा मॉल्स के प्लाट हैं प्लस यहाँ पेट्रोल पम्प का प्लाट भी है अब यही रास्ता अगर लीड करता है ब्लॉक डी की तरफ तो ये गुलबर्ग ग्रीन ब्लॉक डी का जो एंट्रेंस है इस्लामाबाद हाईवे से वो बनता है फोर पॉइंट नाइन टू किलोमीटर्स और इसी में एंट्रेंस को अगर क्लियर करूँ देखूँ कि ज़ीरो पॉइंट से कितना डिस्टेंस बनता है एंट्रेंस का तो वो भी अक्सर मैं क्लियर कर देता हूँ ये गुलबाग की मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे अपना अंडर पास है इस पॉइंट को अगर स्टार्टिंग पॉइंट रखें और ज़ीरो पॉइंट जो बनता है वो बनता है इस तरफ नहीं बात है नेक्स्ट इज़ ये ज़ीरो पॉइंट है ये वाला पॉइंट जीरो पॉइंट है अगर आप फिर इसका डिस्टेंस देखते हैं बनता है एट पॉइंट नाइन टू किलोमीटर सॉ फैज़ाबाद का इंटरचेंज है जीरो पॉइंट नैक्स्ट है ये वाला इस पॉइंट को आप देखें तो बनता है ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव किलोमीटर्स ये जो जीरो पॉइंट का इंटरचेंज है वो है और इस मेन श्रीनगर हाईवे पे आपको मेट्रो की एक्सेस भी मौजूद है तो गुलबा का ओवरऑल डिस्टेंस जो बनता है वो मेन जीरो पॉइंट से ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव और आगे जो मेन ब्लॉक डी तक का डिस्टेंस है दैट इज़ फोर पॉइंट सिक्स सिक्स किलोमीटर्स ये हो गए गुलबा ग्रीन ब्लॉक डी की ओवरऑल लोकेशन की बात अब मैं आपको मैप एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो प्लॉट साइजेस हैं वो कौन से प्लॉट्स हैं ये गुलबाग ग्रीन ब्लॉक डी है मेन और इस ब्लॉक डी में जो प्लॉट साइजेस बनते हैं दस कनाल पाँच कनाल चार कनाल जहाँ तक डेवलपमेंट स्टेटस की जो शुरू के ब्लॉक्स हैं जैसे मेन बोलेवर्ड के साथ यहाँ पे कुछ कमर्शियल्स हैं पहले ही यहाँ पर दस कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट थे बाद में मैप को थोड़ा रिवाइज़ किया गया और इस मैप में यहाँ पे चार चार कनाल के कमर्शल प्लाजे स्टार्ट कर दिए गए हैं जिनमें अभी यहाँ पे एटलीस्ट फोर या फाइव प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं और अगर बैक साइड पर बात करें मेन रोड के तो ये हैं दस कनाल के प्लॉट्स जो आपके सामने हैं डेवलप्ड हैं एंड पोजेशनेबल हैं ये वाली स्ट्रीट भी दस कनाल की है डेवलप्ड है एंड पोजेशनेबल है सॉरी ये स्ट्रीट टेन कनाल की है ये स्ट्रीट फाइव कनाल की है ये पीछे फोर कनाल की है इसमें ये वाले सारे डेवलप्ड हैं वन तक वन से लेके 200 तक नॉन डिवेल्प हैं 205 तक नॉन डेवलप हैं सॉरी फोर फाइव तक यस yes. आगे फिर डेवलप्ड हैं और कुछ प्लॉट यहाँ पर नॉन डेवलप्ड हैं पीछे अगर बात की जाए प्लॉट की जो अभी नॉन डेवलप्ड है जिनका अभी पोजेशन नहीं है उन प्लॉट्स में टू फिफ्टी एट थ्री टू ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फोर ये वाली सीरीज़ है।, तो सीरीज है, है, है।, है, है सब नॉन डेवलप है बाकी मेन रोड पे आगे दस कनाल में से अगर प्लॉट देखें तो यहाँ पे सिक्सटी नाइन से लेके एटी तक ये वाली जो सीरीज़ है इसमें कुछ प्लॉट नॉन डेवलप्ड हैं कुछ डिवेलप्ड हैं सेवेंटी तक डिवेल्प है सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स ऑनवर्ड जितने हैं सब नॉन डिवेलप्ड हैं और पीछे ये जो सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड सीरीज़ है यहाँ पे भी नॉन डेवलप्ड है इन पर कोई अभी डिवेल्प का काम नहीं है ये गूगल की सेटलाइट इमेजेस हैं इन्हें हम घर बैठ के टेली कर सकते हैं और जो ये जो के वी लिखा हुआ है इसका मतलब नॉलेज विलेज और यहाँ पे अभी आई बी के एम्प्लॉयज़ के लिए जो हैं ड्रीम हाइट्स अपार्टमेंट्स वो बन रहे हैं अगर लास्ट ईयर के गुलबाग की, की बड़ी अचीवमेंट की बात की जाए तो इस ब्लॉक डी में बेतहाशा तेज़ पेस से डेवलप किया गया है तो इसको कहेंगे कि गुलबाग की इस जगह पे काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि इसको इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप किया गया है इस ब्लॉक को अब देखते हैं रियल टाइम फुटेज के गुलबक रेंज में ब्लॉक डी में ये वाला पार्ट सारा डेवलपमेंट वाइज कैसा है अगेन बैक रेल टाइम फुटेज इस वक्त स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं ये गुलबाग एक्सप्रेस वे की है जब इस्लाबाद एक्सप्रेस वे से आप उतरते हैं और आगे गुलबाग में एंट्रो होते हैं तो मेन जो एंट्रेंस रोड है उसकी फुटेज है इसकी लेफ्ट साइड पर जो ब्लॉक है इनिशली पहले शुरू में भट्टी कलोनी है और उसके साथ आगे जो ब्लॉक है जहाँ पर आपको बोर्ड नजर आ रहे हैं इस ब्लाक का नाम है एग्जेक्टिव ब्लॉक और इस ब्लाक में जो प्लॉट की कटिंग्स हैं वो हैं फोर एंड फाइव कनाल के प्लाट्स अब यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि जितने यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो ऑफ साइज में आपको बाद में इनकी साइज एक्सप्लेन एक करता हूँ फॉर द टाइमिंग ये सारा जो मेन बोलेवेड है यही आगे लीड करता है इस वक्त जो फोटेज देख रहे हैं ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के दरमियान से गुजरी है और राइट साइड पर जो है समामा स्टार गुलबगग स्टार और लेफ्ट साइड पे गुलबग मॉल एंड सिग्नेचर लिविंग स्टेम आगे रोड पर मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पर जो मॉल है गुलबग हाइट्स एंड गुलबग अरिना राइट साइड पर डायमंड मॉल और यही आगे जाके मॉल मेन लीड करता है राउंड अबाउट पे इस पर दो मेगा मॉल्स बनेंगे और एक फाइव स्टार होटल वन हंड्रेड सिक्सटी एट कनाल का प्लॉट है यही मेन बोलेवर्ड आगे जाके लीड करती है ब्लॉक डी में इस लेफ्ट साइड वाली रोड के जो, जो जिस पर लीड करती है उस रोड का नाम है पार्क एवेन्यू और जिसकी वर्थ है वन सिक्सटी फ़ीट और इस रोड पे आगे जाने के बाद आगे आप पाइन एवन्यू को अटैच होते हैं जिसकी वर्थ है वन सिक्सटी फीट ये जो ब्लॉक डी और ब्लॉक सी का डिवाइडर रोड है इसका नाम है पाइन एवेन्यू और इस रोड पे जो प्लॉट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दस कनाल के रेजिडेंशियल फार्म हाउसिस के प्लॉट्स हैं जैसे मैं बात करता कि दस कनाल के प्लॉट के साइज़ के हवाले से यहाँ पे प्लॉट का साइज़ जो बनता है दस कनाल का वो बनता है टू हंड्रेड एंड टू टू हंड्रेड एंड टू सेवेंटी यानी सिक्स थाउजेंड स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट आजकल के अगर प्लॉट के साइज के हिसाब से देखें तो पाँच सौ कनाल का पाँच सौ गज का एक कनाल बनता है तो उस लिहाज से ये बारह कनाल का प्लॉट है और ये एग्रो एग्रोफॉर्म्स हैं यानी कि यहाँ पर मरला है वो टू सेवेंटी टू स्क्र फीट है तो इसलिए यहाँ पे जो प्लाट के साइज़ज़ हैं वो दस कनाल का बारह कनाल का प्लाट बेसिकली दस कनाल का प्लाट है अगर आप दस कनाल प्लाट बाय करते हैं तो उसके ट्वेंटी परसेंट एरिया पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो तकरीबन तो तो आपको एवरेज जो कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलेगा तकरीबन ढाई कनाल के आसपास होगा इस मेन बुलेवर्ड जिसकी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस, पे इस पर इस वक्त चार चार नाले कमर्शल प्लाट्स हैं इन कमर्शल प्लाट पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है और जो चार प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे जिनके मुझे नाम पता है अलकमाल हाइट्स एरिस हाइट्स गुलबर्ग ट्विन टावर और इसके अपोजिट साइड पर जहाँ पर आपको कुछ डिगिंग नजर आ रही है डी ई ब्लॉक के अपोजट ई ब्लॉक के सामने और डी के अपोजिट यहाँ पे इस वक्त डायमंड मॉल एंड जिवोरा ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं इसी मेन बुलेवर्ड पे आगे लेफ्ट साइड पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं ब्लॉक डी में उन प्लॉट के नंबर्स जो बनते हैं प्लॉट नंबर 18 टू प्लॉट नंबर 34 ये मैं ओल्ड नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो गुलबर्ग का ऑफिशली लॉन्च मैप था पहले वाला जो मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी यूज़ किया उस मैप के नंबर्स की बात कर रहा हूँ और इस स्ट्रीट का नाम है डी जिसकी वेट था सिक्सटी फीट और इस स्ट्रीट पर जितने प्लॉट्स हैं तमाम के तमाम प्लॉट्स डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं बात की अगर इस्लामाबाद में गुलबाग की लोकेशन के हाल से तो गुलबाग की लोकेशन इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा प्राइम बनती है वो इसलिए कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे एडजस्टेंड एक सोसाइटी हो जहाँ पर आपको एग्रोफार्म मिले यानी कि आप इतना हीट आपको टाइम लगे ज़ीरो पॉइंट पहुँचने का जितना किसी जो रेड जोन में सेक्टर्स हैं जैसे जी है जी है या एफ है ये इन प्लॉट जो इस्लामाबाद की सब बल्कि पाकिस्तान की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कनाल की वर्थ जो है अप टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपीज़ है कनाल की वर्थ एक एक कनाल की प्लॉट की बात अगर ट्वेंटी फोर का वहाँ पे एक कनाल तो यहाँ पे अगर लगता से 10 टू तो 12 करोड़ का प्लॉट है 10 कनाल का हाफ प्राइस में आपको 10 टाइम्स स्पेस मिल रही है और उतने ही टाइम के डिस्टेंस पे जितना आपको जी सिक्स या जी फाइव से डिस्टेंस लगता है टूवर्ड जीरो पॉइंट मैं जीरो पॉइंट से हमेशा कैलकुलेट इसलिए करता हूँ कि जीरो पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट है जब नाइनटीन में कैपिटल बनाया गया और नाइनटीन में जब इसका प्रपोज प्लान दिया गया इस्लामाबाद का तो जीरो पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया था तो उससे अगर आपको इतने डिस्टेंस पे यानी कि आपको एक सेक्टर जहाँ पे इसकी डबल प्राइस में यानी 24 करोड़ का आपको एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है उससे हाफ़ प्राइस में आपको टेन टाइम ज्यादा जगह मिल रही है वो वुलबग रीज है लोकेशन का आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया और, और जो गुलबाग की डिटेल्स हैं आपके सामने है कि इस्लामाद एक्सप्रेस वे पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर है अगर आप डिस्टेंस की बात करें जो बनता है ट्वेल्व पॉइंट कुछ किलोमीटर्स इस डिस्टेंस को आपको कवर करने के लिए हार्डली फाइव मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको पूरे गुलबक इस्लाबाद एक्सप्रेस वे पर कोई सिग्नल गुलबक से लेकर जीरो पॉइंट तक नहीं मिलता सिर्फ एक चेक पोस्ट है एट द स्पॉट ऑफ फैजाबाद वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे कोई सिग्नल नहीं है जहाँ पर आपको ट्रैफिक कंजेशन मिले ऐसा बिल्कुल नहीं है तो ये गुलबक इस्लामाबाद की लोकेशन की बात दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद के अंदर यानी कि अगर आप इस्लामाबाद के रेजिडेंट नहीं हैं, इस्लामाबाद की इतनी प्राइम लोकेशन पे आपको इतनी ओपन प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती यानी कि अगर आप इस्लामाबाद के आप कराची के रेजिडेंट हैं लाहौर के रेजिडेंट हैं फैसलाबाद के रेजिडेंट हैं यूके यूएसए कैनाडा फ्रांस जर्मनी जिस शहर के भी जिस मुल्क के भी रेजिडेंट हैं आप आपको इस्लामाबाद के सेंट्रल इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती वो रीज़न ये है कि गुलबर्ग एक सोसाइटी है जो इस्लामाबाद के जोन फोर में फॉल करती है जोन फोर इज़ बेसिकली फॉर एग्रोफार्म जैसे इमरान खान के घर का आजकल मसला बना हुआ कि बारह लाख रुपए में घर जायज़ करवा लिया सेम गुलबा के बाय लॉज फॉलो होते हैं इमरान खान के घर पे भी इमरान खान का घर है तीन सौ कनाल का जो एरिया है उसमें जो टोटल बाय लॉज के मुताबिक अलाउड है वो है साठ कनाल इमरान खान का जो घर कंस्ट्रक्टेड है वो बनता है अलेवन थाउजेंड फ्यू हंड्रेड स्क्वेयर मीटर्स फ्यू स्क्वायर मीटर्स तो अगर आप इसको कनाल में कन्वर्ट करें तकरीबन दो इशारिया एक कनाल का प्लॉट जो घर बनता है इमरान खान का बनी गला वाला उससे बारह लाख टैक्स दिया है सेम गुलबर्ग के लिए कि गुलबर्ग भी आपको कवर्ड एरिया अलाउड ही हंड्रेड में से सिर्फ ट्वेंटी परसेंट है जैसे ये फार्म स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि टोटल प्लाट के एरिया का आपको सिर्फ ट्वेंटी परसेंट कवर करना है सेवेंटी फ़ाइव फ़ीट फ्रंट ट्वेंटी फ़ाइव फीट बैक फिफ्टीन फीट साइड आपने ये जगह खाली छोड़नी है तब आपका आप बायलॉज को फॉलो करते हैं एज़ पर गुलबर्ग बायलॉज एंड एज़ पर सी डी ए बाय इसके अलावा गुलबर्ग को बायलॉज लॉज की बगैर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते गुलबग के सी की ऑथराइज़ एन के साथ सोसाइटी है तो इसमें आपको सी के यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लस गुलबाग के जो अपने बायलॉज हैं वो आपको फॉलो करने हैं गुलब्ग में कंस्ट्रक्शन के लिए तो ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया चीज़ें ये इस पॉइंट से एक्सप्लेन किए कि इस्लाबाद में लोग हाइप क्रिएट करते हैं जिस सेक्टर्स में प्रॉपर्टी इस्लाबाद का जो ऑफिशली प्लैंड एरिया है वॉपर्टीज़ बहुत महंगी है और आपको उसी डिस्टेंस पे डिस्टेंस में इसलिए बार बार काउंट कर रहा हूँ कि आपको टाइम जो लगता है वो जीरो तक फाइव मिनट्स लगता है जी से भी आपको फाइव से सेवन मिनट्स का टाइम लगता है जीरो पॉइंट पहुंचने का और वहां पर डबल प्राइज में वहां की यानी कि गुलबग से डबल प्राइस में आपको इसके टेंथ स्पेस मिल रही है यानी यहाँ पे वहाँ पे एक कनाल 24 करोड़ और यहाँ पे 10 कनाल 12 करोड़ तो ये ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है प्राइजेज़ वाइज़ ये गुलबाग का इसलिए कि गुलबाग क्योंकि एक जोन फोर की फॉल में फॉल करता है और जो वो सेक्टर है वो जोन वन में फॉल करता है जो नियरेस्ट टू सेक्रेट है नियरेस्ट टू फैसल मॉस्क मार्कला हिल्स ट्रेल्स जितनी वो पहाड़ी सिलसिला है उनके नज़दीकी है इसलिए वहाँ पे वैल्यू भी ज़्यादा है गुलबर्ग में आप बताते हैं जी सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे जो सॉरी फोर्थ पॉइंट मैंने स्टेट स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया आपको गुलबग की लोकेशन गुलबग में प्लॉट के साइजेस नंबर थ्री के उनके डेवलपमेंट का स्टेटस अब आता है कि जिसमें कितने प्लॉट्स हैं जो डेवलप्ड हैं और कितने हैं जो नॉन डेवलप्ड हैं गुलबग में टोटल जो प्लॉट हैं वो सेवन प्लस प्लॉट बनते हैं ब्लॉक डी में सबसे बड़ा ब्लॉक है गुलबाग ग्रीनस का इसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो लेक है और के सराउंडिंग में गोल्फ कोर्स है लेकिन यहाँ पे डेवलप्ड प्लॉट के स्टेटस की बात करें तो 60 40 का रेशियो है 60 परसेंट प्लाट्स जो हैं डेवलप्ड हैं और 40 परसेंट प्लाट्स जो हैं वो नॉन डेवलप्ड हैं सिक्सटी परसेंट डिवेल्प प्लाट्स में जो शुरू के प्लाट्स हैं शुरू की सीरीज़ के प्लाट्स हैं वो तमाम के तमाम प्लाट डिवेलप हैं जिसकी फर्जी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं इनिशली मैंने मैप मैपे जब एक्सप्लेन किया था तो टू सीरीज के कुछ प्लाट थे जो मैंने मैं दिखाया था कि वो डिवेल्प नहीं है वो सेंटर में जो एरिया कुछ आपको नजर आ रहा है जहाँ पे कुछ भी है ये वाला जो एरिया सेंट्रल एरिया बनता है उस पार्ट का क्योंकि ये एक पुराना जब गुलबर्ग ने यहाँ पर लैंड एक्वायर की थी तो यहाँ पर एक गाँव था तो गाँव के सराउंडिंग में लैंड एक्वायर होगी लेकिन गाँव की जो अंदर की लैंड है वो एक्वायर नहीं हुई ना उन्होंने प्लाट वो लैंड बेची तो ये थी गुलबर्ग ग्रीन्स ब्लॉक डी की ओवरऑल इमेज पीछे जो आपको बिल्डिंग्स कुछ नजर आ रही हैं जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था आपको कि गुलबर्ग ने अपने एम्प्लॉज़ के लिए गुलबर्ग चौक एक सोसाइटी है इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉइज कॉर्पोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी गुलबर्ग ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक बेनिफिशरी एक चीज़ रखी थी वो थी कि उन्हें ट्वेंटी ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पर अपार्टमेंट दिया जाएगा जिसकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त जो है तकरीबन यहाँ पे फोर्टीन से फिफ्टीन बिल्डिंग्स हैं हाई राइस ग्राउंड प्लस ट्वेल्व ग्राउंड प्लस ट्वेंटी डिफरेंट साइज़ के बिल्डिंग्स हैं इन पे कंस्ट्रक्शन काम जो है वो इस वक्त अगर आप साइट विजिट करते हैं गुलबाग की तो आपको ये इजिली विजिबल होंगी ब्लॉक डी के सामने लेफ़्ट साइड तो ये थी गुलबकग ग्रीन्स ब्लॉक डी का ओवरऑल रिव्यू अगर आपको गुलबक ग्रीन्स ब्लॉक डी के हवाले से कोई भी क्यूरी हो मैंने तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम मालूम हासिल कर सकते हैं ये थी व्यूज़ आज की वीडियो अगर आपको गुलबग में सेल परचेज के हवाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे वाट्सए कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान जी माँ को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए ख़ुदा हाफिज़